जोलसप्पड़ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। कॉलेज के प्रशासनिक, एकेडमिक व अन्य भवनों के निर्माण के लिए 355 करोड़ रुपए के बजट को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कॉलेज के निर्माण कार्य को अंजाम देगा। 35 करोड़ रुपए की पहली किस्त जल्दी जारी होगी। ये कॉलेज जोलसप्पड़ में त्रिशा वीएड कॉलेज के ऊपर व नीचे की तरफ बनेगा। कॉलेज के लिए भूमि पहले ही सरकार के नाम हो चुकी है। जोलसप्पड़ के स्थानीय लोगों के साथ ही नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अभी मेडिकल कॉलेज अस्थायी तौर पर हमीरपुर जिला अस्पताल के भवन में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनका लंबा संघर्ष रंग लाया है। जल्दी कॉलेज के निर्माण के लिए पहली किस्त आ जाएगी, जिससे भूमि को समतल करने के साथ ही अन्य कार्य होंगे। स्वीकृत राशि चरणबद्ध तरीके से जारी होगी। कॉलेज मंजूर होने के 6 साल बाद ही सही पर नादौन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने कॉलेज निर्माण की राह में अनेक रोड़े अटकाए, लेकिन अंत में जीत आम जनता की हुई। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से भाजपा सरकार ज्यादा दिन तक क्षेत्र के लोगों को महरूम नहीं रख सकती। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने शिमला में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान से प्रदेश सचिवालय में कॉलेज निर्माण को लेकर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर 2 साल पहले रखा जा चुका है, बावजूद इसके आज तक एक भी ईंट निर्माण के नाम पर नहीं लगी। मेडिकल कॉलेज राजनीति का शिकार हो रहा है। उन्होंने धीमान से जल्दी प्रशासनिक एवं अन्य भवनों का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की थी। बजट स्वीकृत करने के लिए सुक्खू ने स्वास्थ्य सचिव आरडी धीमान का धन्यवाद व्यक्त किया है। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।